नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक मिक्सर ही है। दोस्तों मैंने इस मिक्सर को चेक किया हुआ है, इसका आर्मेचर गया हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं चेक करके फिर से इसमें क्या हुआ, आर्मेचर डालने क्या कारण है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इसको डायरेक्ट किया हुआ है। ये देखिए डायरेक्ट किया हुआ था, टेप मारा हुआ था। और जब कभी आप मिक्सर का मोटर बनाएंगे तो मोटर बनाने आपको डायरेक्ट कभी करना नहीं है, हमेशा ये सीवी जरूर लगाएं। ये सीवी लगाने से क्या होता है, सीवी लगाने से ये होगा कि आपका जो मोटर है ओवरलोड नहीं होगा और आपका आर्मेचर जलेगा नहीं, तो इसलिए आपको सीवी लगाना बहुत जरूरी है, सीवी जरूर लगाए। अब दोस्तों देखिए, अभी हमने मिक्सर चेक किया, चल नहीं रहा था ये, तो फिर हमने ये बार हिलाया, ऐसा ये बार हिलाया तो मिक्सर चालू हो गया, स्पार्किंग कर रहा है। लेकिन दोस्तों जब वायर हिलाया नहीं चला था, तो हमने ये जो मिक्सर है इसके आर्मेचर जैसे घुमाया इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम मिक्सर के आर्मेचर जो है इस पर ऐसे अपनी उंगली रखी इस तरह से और घुमाया इसको, देखा इसका जो आर्मेचर के अंदर कमेटर आता है ना, ऊपर नीचे हो गया, खड्डी खुड्डा हो गया। मिक्सर चल रहा है, आप चाहे इसे दे सकते हैं, लेकिन इस तरह देखें तो क्या होगा पता है, ये मिक्सर दो दिन चार दिन चलेगा और फिर से ये ख़राब हो जाएगा। तो आपको कभी ऐसा नहीं करना है, जो प्रॉब्लम है आप ग्राहक को बराबर बताना है, बराबर पैसे लेना है, बराबर काम करना है। अक्सर वो कमेंट आती है मेरे को कि सर दुकान चलता नहीं, क्या करें, हमने दुकान खोला एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, ना होता है 100 रुपये का, 200 रुपये का। दोस्तों देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप काम सही नहीं कर पाएंगे तो ऐसा होगा। दोस्तों देखिए, देखिए खाली घूम कर रहा है। अब दोस्तों लगाना मेन है, हाँ एक बात और, जब इस तरह से ये देखिए, ध्यान सुनना, मेल लगाते क्या हो रहा है, देखिए आपने हल्का सुना होगा खट खट आवाज आ रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। अब इस रिपीट को देखिए, रिपीट को, रिपीट हिलने के कारण ये है कि हमारा जो बूस है नीचे वाला बूस, ये देखिए पूरा हिला है, सब के सब हिल रहे हैं, इससे मतलब जो नीचे वाला बूस है हमारा बूस ढीला होगा, इसके लिए ऐसा हो रहा है। ये एक बार फिर देखिए, गौर से देखिए, ये देखिए हम लगा रहा मेन में। अभी दूसरे दुकान पर जाएंगे तो क्या करेंगे लोग, ऐसे दे देंगे, बोलेंगे चलो ठीक ले जाओ। चल रहा है, आपने देखा आवाज कर रहा है, लेकिन जब मैंने उंगली लगाई अपनी उंगली, अब खोल के फिर दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ, फिर आप और समझ पाएंगे आप इसमें क्या हुआ है और आर्मेचर बदली करने के कारण क्या है। अब दोस्तों पहले क्या करें, सब कनेक्शन निकाल दें और मोटर बाहर निकाल दें। दोस्तों देखिए, आपको इस तरह से वायर बांधना नहीं है, हमेशा एक क्लिप लेके आए, क्लिप जरूर लगाएं, क्लिप बहुत महंगा नहीं आता है। एक मिक्सर में अगर आप MS क्लिप ऑपरेंगे लोखंड वाला तो 2-3 रुपये क्लिप लगेगा, अगर आप पितरा ऑपरेंगे तो 7-8 रुपये क्लिप लगेगा, लेकिन हम इससे क्लिप लगाएं, वायर को लपेटे नहीं। अब दोस्तों बाहर निकालता हूँ, मोटर बाहर निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, आप इसके ऊपर हाथ रखेंगे, जब कभी आपको लगे ऐसा, आपको लगे कि ये कुछ गड़बड़ दिख रहा है, तो ऐसा हाथ रखें, घुमाएं इसको, तो आपको खुद मालूम पड़ेगा। एक लेवल होना चाहिए, अगर एक लेवल में चल रहा है ये तब तो ठीक है, अगर एक लेवल में नहीं चल रहा है, स्पार्क कर रहा है, तो इससे मतलब ये है कि आपको चलेगा नहीं। अब गौर से देखिए, और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें खड्डा भी हो चुका है, देखिए कहीं कहीं कमेटर जो है टूट गया है, टुकड़ा बाहर निकल गया है। फिर मिक्सर चल रही है तो अपने कोई भी काम करना एकदम सही काम करना है, और फिर आपको कंप्लेंट कभी करना नहीं पड़ेगा कि सर दुकान चलता नहीं, क्या करें कैसे करें। और फिर अभी कार्बन निकालें बाहर, और ये चाहे उसको खोल के आर्मेचर बाहर निकाल लें। दोस्तों देखिए, मैंने इसको खोल दिया है, फिर इसको आराम से आप इस तरह से हल्का ठोक के निकल जाएगा, ये देखिए निकल गया। अब इसके अंदर बॉल रहता है, बॉल को संभाल कर रखना है, गिराना नहीं है। जब कभी आवाज़ करेगा तो आपको देखना है कहीं बूझ तो नहीं गया है, अगर बूझ गया तो बूझ डाल दें, दूसरा हल्का प्ले है, लेकिन आप डालेंगे आर्मेचर दूसरा, फिर देखें उस टाइम पे कि आपका बूझ गया है क्या। और दोस्तों ये रिपीट हिल रही है, ये आप देख पा रहे हैं, हिल रही है, अगर ये हिल रहा है तो इससे क्या होता है, हमारा बूझ ढीला हो सकता है, तो उसके लिए आपको ये फील्ड कॉइल निकालना पड़े बाहर, फील्ड कॉइल बाहर निकाल लें और फिर देखते इसका बूझ ढीला है कि बूझ खराब है, अगर बूझ खराब है तब बूझ डालना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, ये पट्टी वहाँ सड़ गई है, दोस्तों कभी भी थूक पट्टी नहीं करना है, समझिए आपने लिया आर्मेचर डालने लिए और ये पट्टी सड़ा हुआ है, टूट गया है, तो ऐसा नहीं कैसे भी लपेट के दे दिए, हमेशा आपको अच्छा काम करना है, नहीं जूना लगा देना है। और दोस्तों देखिए, मेरे पास भंगार पड़ा है, मैं भी क्या करूँगा, अगर नया लगाना है तो मैं जूना लगा दूँगा, लेकिन काम हमेशा सही ही करना है, ऐसे आपकी कोशिश होनी चाहिए। अगर आप ये सोच के रखेंगे काम हमेशा सही करना है, तो फिर आपके पास काम कभी कभी नहीं होगी,
आप सिर्फ काम पे ध्यान दीजिए बस। अगर आपने काम पे ध्यान दिया है तो मैं बोलता हूँ बार बार कि आपको आपकी दुकान पे कभी काम कभी नहीं होगी। फिर फील्ड के दोस्त को खोल लें। दोस्तों देखिए हमने खोल लिया, आप देख पा रहे हैं देखिए कितना ढीला है। इसके लिए जब लगाता था मिक्सर चालू करता था फ्रिज में तो टों टों करता था ये, क्योंकि देखिए कितना ढीला है। इसको क्या करें अभी, रिपीट कट कर ले, रिपीट कट करके आप लगा दे स्क्रू। इसको कटिंग कैसे करेंगे, आप चाहें इसको अंदर से कटिंग करें, आप चाहें इसको बाहर से कटिंग करें। तो उसको काफ़ी ढीला है, इसको देखता हूँ मैं ऐसे कटिंग करता कटर से ही कटिंग कर निकल जाए अच्छी बात है, नहीं फिर इसको कटिंग करना पड़ेगा अपने को इसको ड्राइवर से। लेकिन काफ़ी ढीला है ये, तो और इसको ऐसे इतना ढीला रहता नहीं कभी कि निकल जाए, लेकिन भाई तो बड़े प्यास निकल रहा है, अच्छी बात निकल गया। तो दोस्तों सड़क कटिंग करना पड़ेगा कि जितना अच्छा कटिंग होगा उतना अच्छा निकलेगा, आसानी रहेगी आपको। अब दोस्तों देखिए अभी ये थोड़ा जाम है तो इसको हल्का ठोके, लेकिन हल्का ही ठोकना है, ये बॉडी बड़ा कमज़ोर रहता है, अगर ताकत लगाना पड़ेगा तो नीचे सपोर्ट रखें। अगर आपको लगता है कि हाँ दोस्तों टाइट है ये तो सपोर्ट रखना पड़ेगा, बिना सपोर्ट ठोकेंगे तो बॉडी टूटने वाला है। दोस्तों देखिए इसके लिए मेरे पास 10 का बॉक्स बना है, इसको आपको नीचे रखना, रिपीट के नीचे ऐसा नीचे रख के फिर ठोकना है। उससे क्या होगा, आपको सपोर्ट मिलेगा तो आपको बॉडी टूटेगा नहीं। आराम से बराबर रिपीट के ऊपर रखें और इसको ठोक दे बाहर। दोस्तों देखिए निकल गया ये। अब दोस्तों देखिए मैंने इसको सिर्फ लिया था आर्मेचर के लिए कि आपका आर्मेचर गया हुआ ऐसा बोलकर लिया था, लेकिन आपको जो भी काम दिखे छोटा मोटा ये सब करना चाहिए। अब इसमें क्या लग रहा है आपका, आपका केवल लगेगा 3 स्क्रू और थोड़ा टाइम लगेगा ये, तो इससे क्या होगा आपका काम सही हो जाएगा तो कस्टमर कंप्लेंट नहीं कर पाएगा, वही आप कैसे भी करके दे देंगे तो फिर से ये चलेगा और आर्मेचर उड़ जाएगा। दोस्तों देखिए निकल गया ये। अब इस पट्टी को क्या करें, पट्टी को सीधा कर ले और इस पट्टी को भी सीधा कर ले, क्योंकि ये काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी टेढ़ा हो गया है और बहुत दिन चला था इसे ही। अब दोस्तों क्या करना, लगाना है आर्मेचर, तो और मैं ले गए सेम साइज में। आप देखिए एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं, दोस्तों देखिए यार मिचर हमने नया लाया, दोस्तों हमारा और मिचर जो है बिल्कुल वाइंडिंग वाला नहीं है, न्यू पीस है पूरा और मिचर है ये। और दोस्तों हमारा जो और मिचर है और ये नया तो है 260 रुपये का, हमारा बूथ देख लेते हैं। दोस्तों हमारा बूथ अच्छा है, उसमें कुछ हुआ नहीं है, तो अभी क्या करें इसको इस तरह रख लें और आपका बूस रख लें इस तरह से, और ये हम डाल दें नमदा। दोस्तों नमदा हमारा अच्छा है, इसे वही डाल रहा हूँ मैं। फिर ये पट्टी लगा दें और फिर ये पट्टी लगा दें और टाइट कर दें स्क्रू। दोस्तों देखिए ये वाला स्क्रू है, इसको हम बोलते हैं बूस स्क्रू। फिर ये पट्टी रखना ऊपर का भी और इसको लगाइए टाइट कर देना। दोस्तों देखिए मैंने इसको टाइट कर दिया है, अब बूस बिल्कुल हिल नहीं रहा, देखिए नहीं हिल रहा थोड़ा भी। अभी आपको लगा देना कार्बन होल्डर, आप देख पा रहे होंगे ये कार्बन होल्डर सड़ गया है। मेरे पास अक्सर मैं भंगार में सामान ले देता हूँ, ये कार्बन होल्डर अच्छा है तो मैं भी ये लगा दूंगा। इसको तोड़ दिए भंगार डाल देंगे ताकि दोबारा हाथ में ना आए, जो खराब है वो खराब ही है। अभी कार्बन होल्डर लगा देंगे, इसे फिर टाइट कर देंगे।
अब दोस्तों ये फील्ड का वायर इसमें आराम से पकड़ना है क्योंकि काफ़ी कड़क है, ये टूट भी सकता है। आराम से इसको अंदर लें, दोनों साइड के अंदर लेना इस तरह से। और फिर इसको आपको टाइट कर देना है दोस्तों, टाइट करेंगे फील्ड को, एकदम फुल टाइट करना, ढीला नहीं छोड़ना है। अब दोस्तों डाला अपने आर्मेचर, मैं वैसे बॉल नहीं डाल रहा हूँ, ऐसे डाल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है डालेंगे वो तो बराबर सेंटर में नहीं आता, इससे बॉल डालना नहीं पहले। इसको इस तरह से ठोक के बिठाने के बाद एक बार अंदर घुस जाएगा, उसके बाद आपको बॉल डालना है। हाँ दोस्तों देखिए बैठ गया, ये घूम रहा है, अब इसको बाहर निकाल लें और फिर इसके ऊपर लगा दें बॉल, इसको ऑयल डाल दें। दोस्तों ऑयल कितना डालेंगे, सिर्फ इतना डालना है कि बॉल को बॉल नहा लें, बस समझो आपको बॉल को नहाने का है। ऐसा नहीं डाल देना कि पूरा इसके कमेंट्री के ऊपर आ जाए, इसमें नहीं आना चाहिए। फिर आप इसको ऐसा रखें और इस फील्ड को इस तरह लें और इसके अंदर डाल के ये इस तरह से डाल दें। फिर दोस्तों देखिए अभी आपको इसको सेंटर में लेना पड़ेगा, देखिए आपको सेंटर में आना चाहिए, अगर सेंटर में नहीं है तो भी गड़बड़ है। खैर इसको सेंटर बाद में लूँगा मैं, पहले इस तरह से आप देख लें, ठीक है नहीं। हाँ दोस्तों फ्री है, अभी आपको एक बार डालना इस तरह से पहले और देखना से प्ले है क्या, अगर प्ले है तो वाशर डालना अपने को। दोस्तों देखिए मेरे ऑयल भी डालना नहीं सीधा। हाँ दोस्तों फिर काफ़ी प्ले है क्योंकि देखिए इतना प्ले आ रहा है, तो इसके लिए अभी डालना पड़े वाइसर, ये वाइसर लगा दें। अभी आपको लगा देना चाहिए ऑयल क्योंकि वाशर में लगा दिया है, अब शायद वाशर जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसके लिए अभी इसे ऑयल डाल दें एक बार देख लें। फ्री है दोस्तों, खैर एकदम फ्री है। ये फिटिंग करेंगे आप, ये देखिए ये वाला कट जो है आपको लाना है फील्ड कॉल के ऊपर इधर। सर मुझे कल एक मित्र ने कमेंट किया था कि सर मिक्सर का बूझ डाल दिया और मिक्सर आवाज़ करता है और जान चलता है। दोस्तों देखिए अभी हमने मिक्सर फिटिंग कर दिया, डाल दिया आर्मेचर बूझ और इतना जाम है ये। अगर आप ऐसे फिटिंग करेंगे तो बराबर चलेगा नहीं है। दोस्तों देखिए अभी इसके अंदर प्ले है तो प्ले आपको ख़त्म करना है, तो इसमें और डाल दें सर। दोस्तों इसमें हमने एक वाशर डाल दिया फिर से, इसमें हल्का सा प्ले है, लेकिन ये जो प्ले है मैं थोड़ा इसके आर्मेचर को ज़रा सा ऊपर लूँगा, ये देखिए हल्का प्ले है, इसको हमने छोड़ दिया ऐसे ही। दोस्तों कभी कभी क्या होता है इसको फ्री करने में काफ़ी मेहनत लगता है, एक बार में फ्री होता नहीं है, और ख़ास करके चार वाले मिक्सर। अभी इसको आप ऐसे ही फिटिंग कर देंगे तो आपका मिक्सर आवाज़ भी करेगा, आपका आर्मेचर जल भी सकता है, मिक्सर गर्म भी होगा, बहुत सारी घटनाएँ घटने वाली हैं। अक्सर मुझे लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर हमने बूझ डाल दिया आवाज़ करता है, सर हमने बूझ डाल दिया जाम चलता है, क्या करें। दोस्तों बूझ जो है बूझ लगाने के बाद भी इसमें बहुत बहुत काम रहता है, ऐसा नहीं कि आपने बूझ लगा दिया तो आपका सारा काम ख़त्म हो गया, इससे बहुत सारा काम रहता है। इसको टाइट करेंगे आप, आपको सभी को बारी बारी करना है और कभी कभी एक बार में फिटिंग नहीं होता है। मैं इसको फिटिंग कर रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखें बिना स्किप किए, अगर आपको काम सीखने का ये तो फिर आप स्किप करेंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो छूट जाएंगे, आपको समझ में आएगा नहीं, फिर आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर मिक्सर जाम है बूझ डालने बाद क्या करूँ। दोस्तों देखिए मैंने बूझ डाला नहीं है, लेकिन बूझ डालने का सारा प्रोसेस से गुजरा है मिक्सर, तो समझिए हमने बूझ डाला ही है। दोस्तों देखिए हमारा थोड़ा मिक्सर जाम चल रहा है हल्का सा, पहले आप ये देख लें इसमें प्ले है क्या। हाँ दोस्तों एक बार से प्ले है, तो पहले आप क्या करें इसके जो प्ले ख़त्म करते हैं। दोस्तों पहले प्ले ख़त्म करना है आपको, हाँ प्ले नहीं है, अभी आपको फटका मारना कहाँ मारेंगे आप, यहाँ मारेंगे नज़दीक में, और आराम से मारना है, जोर से नहीं मारना है नहीं टूट जाएगा ये, क्योंकि बॉडी बड़ा कमजोर रहता है। अभी आपने पीछे पूछ डाला है तो यहाँ भी डालें फटका आराम से। दोस्तों देखिए फ्री हो चुका है, ये फ्री तो है लेकिन हल्का आवाज़ कर रहा है, मतलब कहीं लड़ रहा है। फिर आपको देखना पड़ेगा, आप देख पा रहे हैं फील्ड हमारा और ये आर्मेचर, इसके बीच में देखिए इस तरफ गैप ज़्यादा है, इस तरफ गैप कम है, और इस साइड भी सेम ऐसे ही है।
इस तरफ गैप कम है, इस तरफ गैप ज्यादा है, तो जिस तरफ गैप कम है आपको इस तरह सतही माना है, आराम माने बॉडी टूट जाएगा। ये सब प्यार वाला काम है, जोर से फटका दिया तो मिस्टर काम तमाम, ऐसा नहीं करना है। जिस तरफ गैप है उस तरफ नहीं माना है, जिस तरफ गैप नहीं उस तरफ माना है। हाँ दोस्तों एकदम फ्री हो चुका है ये, अभी आपको देखना है कि आपका कार्बन और कम्यूटर सामने सामने के सेंटर में है क्या। दोस्तों देखिए सेंटर में नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अभी जब कार्बन होल्डर है थोड़ा सा हल्का ऊपर लेना पड़ेगा, इसे खोल के नीचे लगा दे वाइसर ऊपर आ जाएगा और आप जो कम्यूटेटर है और कार्बन है एकदम सेंटर में आ जाएंगे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन सब बातों का ध्यान रखें अगर आपको सही से काम करना है तो, और सही से काम करेंगे तो आपके पास ग्राहक की कमी नहीं रहेगी, आपको कंप्लेंट नहीं करना पड़ेगा कि सर क्या करें दुकान चलता नहीं है, ऐसा कभी होगा नहीं। बस केवल आप काम पर ध्यान दीजिए, बस ग्राहक अपने आप आएंगे, आपको कहीं कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, काम नहीं है ऐसा कभी नहीं होगा। फिर दोस्तों भी लगाना है कार्बन, कार्बन लगाएंगे आप, कार्बन लगाते समय ध्यान रखें कि आपका जो कार्बन है एकदम फ्री होना चाहिए, ऐसा नहीं टाइट हो, टाइट होगा तो फिर से आपका स्पार्किंग करेगा और आपका कार्बन चल जाएगा। दोस्तों देखिए हमारा दोनों कार्बन एकदम फ्री है, टाइट नहीं है। अभी आपको कनेक्शन कर देना है कार्बन का। दोस्तों कभी भी कनेक्शन करें कार्बन का, सबसे पहले कनेक्शन कैसे करेंगे, जिस तरफ चार वायर है हमेशा कनेक्शन शुरू करेंगे इस तरफ से। देखिए अभी ये चार वायर है तो चार वायर जो है ये तीन एक साथ में है, एक बार अकेला है ये, तो आपको एक बार जो है आपको लगे यहाँ जोड़ देना है, फिर आपने ये वायर वायर यहाँ जोड़ा है, इसका वायर यहाँ जोड़ देना है, अब इसके बाद जोड़ता हूँ। फिर दोस्तों अभी चेक करें आप लोगों कि हमारा मिक्सर सही चल रहा है क्या, फिर अभी क्या करें आप इसको इस तरह रख लें। दोस्तों हमारा थोड़ा स्क्रू बड़ा है, आप चाहे काट भी सकते हैं। दोस्तों मैं स्क्रू कटिंग करता हूँ, तो उसको कटिंग करें, देखिए मेरे पास ये कटर पकड़ है, ऐसे उपयोग करें, अपनी आंखों को बंद रखें। अभी आराम से इसको रख लें सीधा। अभी आपको क्या करने का है, आप डायरेक्ट से बाहर जोड़ लें, ये हमारा कॉमन है जो अकेला है एक साइड में, और दूसरे साइड में जो तीन वायर है हमारा, ये तीनों स्पीड है, ये एक नंबर दो नंबर तीन नंबर, जिस तरह मैं एक में एक जोड़ लेता हूँ और इसको इसके नीचे लगा लें। दोस्तों देखिए अभी मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए कौन से, दोस्तों देखिए हमने लगा लिया है, हमारा बल्ब सब उड़ गया है, इसे हल्का चल रहा है, लगा रहा मेरे में, देखो आप देख पा रहे हैं आवाज भी नहीं आ रहा है और स्पार्किंग भी नहीं कर रहा है, बहुत ही खुशी आ रही है, कोई स्पार्किंग नहीं कर रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने मिक्सर फिटिंग किया, एकदम आसान है, एकदम सिंपल है, जिस तरह बताया इस तरह कहाँ ठोकना है कैसे करना है सबको ध्यान से देख लिया आपने, तो पक्का आप इसे फिटिंग कर पाएंगे। अब दोस्तों इसकी फिटिंग करता बॉडी में, फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए हमने कनेक्शन कर दिया है और हाँ दोस्तों देखिए बात टूट गया है, तो खैर वायर जो कोई भी काम करें आप परेशान ना हो, बात टूट गया तो कोई बात नहीं, इसे फिर जोड़ देंगे। देखिए हमने पूरा कनेक्शन कर दिया, क्लिप लगा दिया है। अब दोस्तों देखिए हमने डाला इसमें आर्मेचर, इसमें अगर सी बी यू नहीं लगा दूंगा मैं, क्योंकि मेरी आदत है हमेशा जब भी डालूंगा आर्मेचर या फील्ड कॉइल तो इसको लगाना बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है ग्राहक दोबारा आएगा, अगर ये उड़ेगा तो दो पैसा देके जाएगा, नहीं डायरेक्ट करके दे देंगे तब पूछ जाएगा विचार। दोस्तों वायर जोड़ के हाँ तो सी फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए हमने वायर जोड़ दिया है और ए सी भी नया लगा दिया है और इसमें कनेक्शन कर दें। दोस्तों कनेक्शन बहुत सिंपल है, मैं बता चुका हूँ बार बार, इसी ज़रा बता दूँगा विस्तार में, मिक्सर के वीडियो बहुत ज़्यादा बना चुका हूँ मैं और सभी वीडियो ध्यान से देखें अगर आपको काम सीखने का है तो, और वीडियो को स्किप ना करें अगर आपको सीखना अच्छे से, तो आप लोग स्किप करेंगे फिर मुझे कमेंट करेंगे कि सर
ऐसा हो रहा है सर, वैसा हो रहा है, समझ में नहीं आया। जबकि मैं एक एक बात को, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से समझाया जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो, आप अच्छा समझ पाए। दोस्तों इसमें स्क्रू दो ही था, मैं ढूंढ के लगाता हूँ। दोस्तों देखिए हमने स्क्रू लगा दिया है, अभी आपको लास्ट में डालना है ऑयल। दोस्तों ऑयल डालना नहीं भूलना है, ऑयल आपने डाला पहले सही है, लेकिन आपको लास्ट में ऑयल डालना ही है। फिर आपको लास्ट में चेक कर लेना है और फिर लगा देना है कपड़ा। दोस्तों देखिए कितना आसानी से हमने डाल दिया आर्मेचर, और बहुत ही आसानी से। अभी ठोक दे कपलर और आपका मिक्सर हो चुका है रेडी। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सारे दोस्तों अभी तक मैं 560 वीडियो बना चुका हूँ और सभी वीडियो के प्लेलिस्ट के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो हर तरह के वीडियो देख के काम सीख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।